हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 में चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। यानी कि जो ब्रैकेट में वैल्यू दे रखी है, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू 1 दे रखी है, एन की जगह 1 प्लेस कर दिया, 5 = 19, 5 और 1 कितना हुआ 6, क्या 6 19 के बराबर होता है, ये दोनों तो बराबर नहीं होते हैं। तो क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। इसी तरीके से n की वैल्यू कितनी रखी है, -2, तो हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू -2 इसमें पुट कर देंगे। तो पुट करने पे यहाँ रख दिया मैंने -2, बीच में निशाने मल्टीप्लाई, प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है 7 × 2 = 14, यहाँ पे हमारा 5 दे रखा है, एक माइनस का हो एक प्लस का, हमेशा माइनस करेंगे, 14 में से 5 गया, कितना बचा 9, बड़ा कौन है माइनस का, तो निशान आएगा माइनस का। क्या दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू -2 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर, ये हमारा बी पार्ट हो गया। अब डिस्कस करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट हमें दे रखा है n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन, हम इस इक्वेशन पुट कर देंगे, एन की जगह 2 रखा, प्लस 5 इज इक्वल टू 19, 7 × 2 = 14, बीच में निशान है तो मल्टीप्लाई का निशान होगा, 14 और 5 = 19, और यहाँ पे 19 दोनों बराबर आ गए, तो यहाँ लिखेंगे एन इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन, ये इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। इस वाले पार्ट में देखो, हमें पी इज इक्वल टू कितना दे रखा, 1 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग p इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, यहाँ 1 रखा, -3 = 13, 4 × 1 = 4, -3, 4 में से 3 गया 1 आया, क्या दोनों साइड हमारे बराबर है, बराबर नहीं है। क्या लिखोगे, p इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ये हमारा d पार्ट हो गया। अब डिस्कस करेंगे इसका e पार्ट। यहाँ पे p इज इक्वल टू क्या दे रखा हमें, -4, तो यहाँ लिखूँगा मैं पुटिंग p इज इक्वल टू -4, p की जगह -4 रखा, -3 = 13, बीच में निशान है मल्टीप्लाई, ये प्लस का है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 × 4 = 16, दोनों डिजिट माइनस के दोनों जुड़ जाएंगी, -19 और 13, क्या दोनों बराबर हैं, ये दोनों तो बराबर नहीं हैं। अगर दोनों बराबर नहीं हैं तो p इज इक्वल टू -4 इज नॉट अ सॉल्यूशन, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड हमारी बराबर नहीं आई है। फिर हम पुट करेंगे, पुटिंग p इज इक्वल टू 0, यहाँ पे रखा 0, -3, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 = 13, 0 में से -3 करेंगे, -3 आएगा, दोनों साइड हमारी बराबर नहीं आ रही है, बराबर नहीं आ रही है, तो क्या लिखोगे, p इज इक्वल टू 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन, कि p इज इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन नहीं है। ये हमारा एफ पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी हमें बार बार ट्राई करना है और ट्राई करने बाद में आंसर बताना है इसका क्या होगा, p की वैल्यू ऐसे क्या रखें ताकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 0 से, 0 में अगर दोनों साइड इक्वल हो जाती तो ठीक है, वरना फिर 1, 2, 3 कंटिन्यू हमें ट्राई करते रहना जब तक कि हमारी दोनों साइड इक्वल नहीं आ जाती। तो सबसे पहले मैंने ट्राई किया पुटिंग p इज इक्वल टू 0, यहाँ 0 रखा, 2 = 17, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 = 2 = 17, क्या दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं आई है, तो क्या लिखोगे, p इज इक्वल टू 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर अगेन ट्राई किया पुटिंग p इज इक्वल टू 1, फिर हमने ट्राई किया p की वैल्यू 1 पुट करके, तो यहाँ 1 रखा, 2 = 17, 5 × 1 = 5, प्लस 2, दोनों को जोड़ा, 7 = 17, क्या दोनों बराबर हैं, ये दोनों भी बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो क्या लिखोगे, 5 और 2 = 7 हो गया, p इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, पुटिंग p इज इक्वल टू 2 ट्राई किया,
जहाँ पर पी था उसकी जगह पे आपको रखना है टू को, टू रखा, पाँच दूनी दस प्लस में दो, दस और दो कितना हुआ बारह, ये दोनों तो अभी भी बराबर नहीं आई है तो क्या लिखोगे, पी इज इक्वल टू टू इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर ट्राई किया पुटिंग पी इज इक्वल टू थ्री, जहाँ पर पी है हमारा वहाँ पर ट्राई करके देखा थ्री को, इसीलिए इसको हिट एंड ट्रायल कहते हैं, यानी कि बार बार ट्राई करते रहो जब तक कि आपका आंसर ना आ जाए। फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन प्लस टू, दोनों को जोड़ा सेवनटीन, यहाँ भी सेवनटीन, दोनों बराबर आ गए। क्या लिखोगे, पी इज इक्वल टू थ्री इज अ सॉल्यूशन, यानी पी इज इक्वल टू थ्री क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। क्लियर, इतना करने के बाद डिस्कस करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट भी सिमिलरली हमें इसी तरीके से ट्राई करना है। सबसे पहले पुटिंग, यहाँ पे हम दे रखा तो m की वैल्यू क्या लिखेंगे, ज़ीरो रखेंगे, थ्री m की जगह ज़ीरो रखा, माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू फोर, ज़ीरो माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू फोर, ज़ीरो में से फोर्टीन माइनस करेंगे फोर्टीन ही आएगा, दोनों साइड बराबर नहीं आई है, तो क्या लिखोगे, m इज इक्वल टू ज़ीरो इज नॉट अ सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। पार्ट वन हो गया। अगेन पुटिंग m इज इक्वल टू वन, जहाँ m वहाँ वन रखा, माइनस फोर्टीन फोर, थ्री वन जा थ्री, फोर्टीन फोर, एक नंबर प्लस का हो एक नंबर माइनस को हमेशा माइनस करेंगे, चौदह में से तीन गए कितने बचे, ग्यारह, बड़ा कौन है माइनस का, तो निशान आएगा माइनस का, क्या दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं है, तो लिखोगे m इज इक्वल टू वन इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन भी नहीं होगा। फिर ट्राई करेंगे पुटिंग m इज इक्वल टू टू, अब m की जगह पे क्या रखना है, आपको टू रखना है, जहाँ वन रखा वहाँ टू रख दो, माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू फोर, थ्री टू ज़ा सिक्स, माइनस फोर्टीन, एक प्लस का हो एक माइनस को हमेशा माइनस करेंगे, छः में से चौदह गए आठ, बड़ा कौन है माइनस का, तो निशान आएगा माइनस का, क्या दोनों बराबर है, नहीं है, क्या लिखोगे, m इज इक्वल टू टू इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। फिर ट्राई करेंगे पुटिंग m इज इक्वल टू थ्री, m की जगह पे हमने थ्री को ट्राई किया, यहाँ पे जहाँ पहले टू रखा था वहाँ रख देंगे थ्री को, माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू फोर, थ्री थ्री इज़ नाइन, माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू फोर, एक प्लस का और एक माइनस को माइनस करेंगे, चौदह में से नौ गए कितने बच गए यहाँ पे, माइनस का फाइव, क्योंकि बड़ा कौन है माइनस का, तो निशान है माइनस का, दोनों तभी भी बराबर नहीं है, तो क्या लिखोगे, m इज इक्वल टू थ्री इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। चलो जी फिर अगला नंबर ट्राई करो, पुटिंग m इज इक्वल टू फोर थ्री, यहाँ पे थ्री रखा वहाँ फोर रख देंगे, माइनस का फोर्टीन इज इक्वल टू फोर, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, माइनस का फोर्टीन इज इक्वल टू फोर, प्लस के बारह में से फोर्टीन जाएंगे कितना बचेगा, माइनस का टू, क्योंकि बड़ा कौन है माइनस का, तो निशान आएगा माइनस का, या लिखोगे m इज इक्वल टू फोर इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक, तो हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे फिर, अब पुटिंग m इज इक्वल टू फाइव, जहाँ फोर लगा वहाँ फाइव लगा देंगे, माइनस का फोर्टीन इज इक्वल टू फोर, थ्री फाइव या फिफ्टीन, माइनस का फोर्टीन, फिफ्टीन में से फोर्टीन गया कितना बचा वन, इस बार प्लस का बड़ा, तो निशान आएगा प्लस का, बराबर तो ये अभी भी नहीं है, तो m इज इक्वल टू फाइव इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो फाइनली जो आखिरी का पार्ट बचा हमारा m इज इक्वल टू सिक्स, वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी इसी पार्ट का सॉल्यूशन होगा, यहाँ लिखेंगे पुटिंग m इज इक्वल टू सिक्स, ठीक है, ये इसका ही सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ मैं जहाँ पे फोर रखा हुआ था वहाँ क्या रख दूँगा, सिक्स माइनस में फोर्टीन इज इक्वल टू फोर, छः थी अठारह, फोर्टीन अठारह में से चौदह गया चार, दोनों साइड बराबर आ गई, तो यहाँ क्या लिख दोगे, m इज इक्वल टू सिक्स इज अ सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन होगा। क्लियर, ये इसी के पार्ट का सॉल्यूशन होगा, मैंने एरो डाल दिया है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।